वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बीजेपी की मुस्लिम महिला नेता को पिछले कुछ दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। महिला ने इस सिलसिले में बुधवार यानी 19 अगस्त को अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। महिला अलीगढ़ में भाजपा की स्थानीय नेता है। उनका आरोप है कि अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद से लगातार उन्हें उनके समुदाय के लोग ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल अयोध्या में राम जन्म भूमि विवाद दशकों से चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 अगस्त को वहां राम मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के बाद बहुत से लोगों ने अपने अपने घरों पर दीपक जलाया। इसी तरह खुशी जाहिर करने के लिए अलीगढ़ में मुस्लिम बीजेपी नेता ने अपने घर में भूमि पूजन कार्यक्रम रखा था। इसी को लेकर उनके समुदाय के कुछ लोग उन पर एसिड फेंकने की धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता का नाम रूबी आसिफ खान बताया गया है। उन्होंने खुद को अलीगढ़ में भाजपा का महावीरगंज महिला मोर्चा की सचिव बताया है। आरोपी ने उन्हें जलाने के साथ पास की एक मस्जिद में पैम्फलेट भी लगाए, जिसमें कहा गया है कि उन्हें यानी रूबी को इस्लाम से निर्वासित कर दिया गया है। बता दें कि अयोध्या भूमि पूजन के दौरान 5100 रुपये का चेक राम मंदिर ट्रस्ट को भी रूबी आसिफ खान ने भेजा था। वहीं रूबी आसिफ खान का आरोप है कि अब इन्हीं बातों को लेकर कुछ लोग उन्हें जिंदा जलाने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली गेट पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 295A यानी धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाएं भड़काने और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत केस दायर कर लिया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक वे और उनके पड़ोसी बेबी खान ने 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम के दौरान ही अपने घर पर रामलला की पूजा की थी। उन्होंने बताया, मैंने राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मंदिर निर्माण में योगदान के तौर पर 5100 रुपये का चेक और रामलला के लिए एक राखी भी भेजी थी, जिसके बाद से इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो ये थी अलीगढ़ में बीजेपी के मुस्लिम नेता को मिल रही धमकी पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।